नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP में अकाउंट ओपनिंग में आ रहे प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि बहुत सारा जो इंस्टेंट अकाउंट है ओपन हो जा रहा है, सक्सेसफुल हो जा रहा है, लेकिन उसका जब हम प्रिंट अकाउंट फॉर्म को प्रिंट कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं और उसमें और क्या क्या करके उसका जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं जो भी ब्रांच में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई अकाउंट आप ओपन कर लिए हैं और उसका प्रिंट जो है फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक डमी फॉर्म को जरूरत पड़ता है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से नाम से यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये डमी फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक फॉर्म है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल आपको जो है कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा डिटेल आपको भर लेना है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप मैनुअली इसमें भर सकते हैं। जो भी कस्टमर का डिटेल है इसमें आप पूरा भर लें। भरने के बाद यहाँ पे मैं कुछ स्टेप आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिंक ब्रांच यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जैसे ही आप भरेंगे तो ये ऐसा समझ में आएगा कि बिल्कुल ये जो ब्रांच जो प्रिंट अकाउंट फॉर्म जो निकलता है सेम उसी तरह से अगर आप इसको भर करके प्रिंट करेंगे तो सेम उसी तरह से दिखेगा और लगेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ भर लेना है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट में कस्टमर का KYC पड़ा रहता है और उसका जो है प्रिंट अकाउंट फॉर्म नहीं निकलता है तो आपको इसको अच्छे से भर लेना है। उसका अगर अकाउंट जनरेट हुआ है तो वो भर लेना है। CIF वगैरह अकाउंट वगैरह अगर जनरेट हो चुका है तो आप वहाँ रिपोर्ट में देख करके यहाँ पे सारा कुछ आपको भर लेना है। पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो टिक मार्क करने वाला है ये टिक मार्क ये जो है कंप्यूटर से नहीं हो पाएगा। जब इसको फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे आप तो प्रिंट करने के बाद ब्लैक पेन से इसको आप टिक मार्क कर लें। यहाँ पे मैं कंप्यूटर से क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको सारा कुछ भरिएगा, क्योंकि जब भी ये फॉर्म आप ब्रांच में भेजिएगा तो ये स्कैन होकर के CKYC होता है। तो आप जो है हाथ से अगर भर करके इसको भेजेंगे तो वो CKYC कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जो है इसको कंप्यूटर से ही भरें। बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। ये फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए एड्रेस वगैरह जो भी उसका आधार कार्ड पे है जो भी उसका है डिटेल आपको यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको एड्रेस अगर ना समझ में आए कि उसके आधार पे क्या है तो उसका आप EKYC जनरेट करेंगे तो आपका उस सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। रुपए ATM के लिए आपको सिंपली यस नो करना है। यहाँ पे कोई भी आप जो पहले से फॉर्म प्रिंट है उसको आपको देख लेना है, क्या क्या फिलअप हुआ है, कैसे कैसे फिलअप हुआ है, सारा कुछ जो है कस्टमर से डिटेल लेकर के आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और आप को मैं फिर से कहता हूं कि आपको ये कंप्यूटर से ही करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, इस ऑप्शन को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आधार नंबर है, जो भी कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ है उसका आधार नंबर है, तो इस यहाँ पे डमी में आधार नंबर डाला हुआ है। इस आधार नंबर का जो भी कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ है उसका यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल लेना है। जो ये जो कॉलम है बहुत सारे लोग छोड़ दे रहे हैं तो इसको आप ध्यान दे करके इस जो है आधार नंबर को आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर का अकाउंट ओपन हो रहा है उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। इस तरह से इस फॉर्म को कंप्लीट करके इसको प्रिंट करके, प्रिंट करने के बाद जैसे ही प्रिंट आप कीजिएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म की तरह लगेगा जैसे हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल वगैरह कुछ भी आपका यहाँ पे डिटेल छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से इसको आपको देख लेना है। नॉमिनी डिटेल वगैरह जो भी है यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो है इस पर जैसे हम फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, मोहर लगा के फोटो वगैरह सब वेरीफाई करते हैं, जहाँ जहाँ कस्टमर का सिग्नेचर लेना है वहाँ वहाँ कस्टमर का हमें सिग्नेचर ले लेना है, और लेने के बाद ही इसको ब्रांच में आप सेंड कर देंगे तो जो है इजीली जो है फॉर्म मेकर चेकर वगैरह जो भी कंप्लीट प्रोसेस करना है ब्रांच में हो जाता है। यहाँ पे जो आधार नंबर है इसको आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो इस फॉर्म को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए मैंने आने वाले एक दो दिन में जो है वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें ये फॉर्म को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्व